हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा गुप्ता। आज आप सभी के बीच आरओ एआरओ प्री एग्ज़ाम में क्या हो टाइम टेबल की रणनीति, ऐसा कौन सा टाइम टेबल आप फॉलो करें कि आप सुनिश्चित सफलता प्राप्त कर सकें, इसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। साथियों, सबसे पहले आप सभी को बताना है कि यह टाइम टेबल उन सारे अभ्यर्थियों, उन सारे युवाओं के लिए है जो पूर्णतः समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यह क्लास उन सारे युवाओं से संबंधित है जो टोटली रूप से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा और UPPCS प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और मेरे नेक्स्ट क्लासेस में फ्रेंड्स, आप सभी को बताना है कि जो अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं उनके लिए भी शीघ्र ही स्ट्रेटजी आप सभी को बताई जाएगी। तो आइए आज के इस डिस्कशन को आरंभ करते हैं। और जो भी आप सभी का प्रश्न हो तो आप सभी अवश्य कमेंट बॉक्स के माध्यम से क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन के क्रम में ही मेरे द्वारा आप सभी के बीच ये महत्वपूर्ण क्लासेस को लाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं, आरंभ करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप टोटली रूप से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और यदि आप UPPCS की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आप मैक्सिमम टाइम अर्थात सारा समय आप अपने इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए देंगे। और इसमें यदि आप दैनिक दिनचर्या का समय आप निकाल लेते हैं तो सोने और अन्य दैनिक कार्य में आपका लगभग 8 से 9 घंटा निकल जाता है। इस प्रकार से आप देखते हैं तो आपके पास पर्याप्त समय होता है, अर्थात 14 से 15 घंटा आपके पास इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए होता है। यदि हम 14 और 15 घंटे का टाइम टेबल बनाते हैं तो ये मान के चलिए इस टाइम टेबल के बावजूद आपके 2-3 घंटा खराब हो ही जाते हैं। तो मैं आप सभी को फिर से कहूँगी कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो टोटली रूप से इसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बावजूद वो 6 घंटा का टाइम टेबल बना रहे हैं। फ्रेंड्स, यदि सुनिश्चित सफलता प्राप्त करना है तो आपको मैक्सिमम परिश्रम करना होगा और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल भी निर्धारित करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपके पास 14 और 15 घंटा बच जा रहा है। 14 घंटे में आप क्या करिए या 15 घंटे में 4 और 5 घंटा, अर्थात आप 10 घंटा माइनस करते हैं 14-15 घंटे में, तो 4-5 घंटा आप करेंट अफेयर्स एज वेल एज प्रीवियस ईयर के पेपर को, साथ ही आप लूसेंट का जो सामान्य ज्ञान है इसके लिए निर्धारित करेंगे, ठीक है। जिसमें से 2 घंटा आप क्या करेंगे कि 2 घंटा आप देंगे करेंट अफेयर्स के लिए, ठीक, और 2 घंटा आप देंगे प्रीवियस ईयर के पेपर के लिए, और 1 घंटा या आधा घंटा 30 मिनट से आप 60 मिनट तक लूसेंट का सामान्य ज्ञान दे सकते हैं। आरंभिक दौर की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद ये जो सामान्य ज्ञान का जो तैयारी है, रिवीजन है, उसको क्रम आप धीरे से घटा देंगे, लेकिन जब प्रथम रिवीजन करेंगे तो कम से कम लूसेंट को आप 30 से 60 मिनट देंगे ही देंगे। अब हम आते हैं जो आपका बचा 10 घंटा, उसके किस प्रकार से यूटिलाइज किया जाए। फ्रेंड्स, हमेशा जिससे अधिक क्वेश्चन आता है और यदि उसके सिलेबस का आकलन करते हैं, सिलेबस ज़्यादा होता है, अध्ययन सामग्री उसमें ज़्यादा होती है, तो नो डाउट आपको उसमें ज़्यादा समय देना ही होता है। आप सभी अवगत हैं कि हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो लेंथी सब्जेक्ट में आते हैं। तो आप क्या करिए, 10 घंटे में लगभग 1.5 घंटा इन तीनों सब्जेक्ट को आरंभिक दौर में दीजिए, ठीक है। लगभग 1.5 घंटा हिस्ट्री, ज्योग्राफी एज वेल एज साइंस को आप दीजिए। बचा जो आपका शेष घंटा, उसमें क्या करिए, जो छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं जैसे पॉलिटी हुआ, इकोनॉमी हुआ, एनवायरनमेंट हुआ, एज वेल एज आपका एग्रीकल्चर हुआ, सेंसस हुआ, UP से रिलेटेड जो क्वेश्चन हुए, उसको आप दीजिए। और ये ध्यान रखें कि ये जो आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं वो इस संडे स्पेशल को आप टोटली रूप से संडे को, अर्थात एक अलग आप सिलेबस बनाएंगे ताकि आप बोर ना हो। जी हाँ फ्रेंड्स, संडे को आप एक स्पेशल रूटीन बनाएंगे अपने पढ़ाई के लिए। संडे को केवल और केवल प्रीवियस ईयर पेपर का अध्ययन करेंगे। उसका क्या फ़ायदा होगा फ्रेंड्स, ये ध्यान रखें, जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर को पढ़ते हैं तो आपको परीक्षा से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उसका पैटर्न से आप अवगत हो जाते हैं। आप इस चीज़ से भली भांति अवगत हो जाते हैं कि किस सब्जेक्ट से क्या कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा टॉपिक संबंधित सब्जेक्ट का इम्पॉर्टेंट है। साथ ही आप ये भी अवगत हो जाते हैं कि एक ही क्वेश्चन को किस प्रकार से विभिन्न रूपों में पूछा जा रहा है। इस वजह से साथियों, हमेशा मेरे द्वारा आप सभी को कहा जाता है कि अवश्य प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करें। और फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे ऐसे युवा हैं
जिनका यह प्रश्न है प्रैक्टिस सेट कौन सा लगाया जाए, मैं आप सभी कहूँगी इतना आपके पास टाइम नहीं है कि आप प्रैक्टिस करें, बस आपको जो प्रैक्टिस करना है वो प्रीवियस ईयर पेपर में ही अपने टाइम को कंजम करें। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर ही प्रीवियस ईयर के पेपर के लिए एक स्पेशल डे संडे को निकालें, और सैटरडे को फिर मैं यहाँ बोलूँगी, सैटरडे को स्ट्रेटजी को ध्यान से सुनिएगा, मंडे टू सैटरडे आप एज इट इज़ फॉर्म में करेंगे, लेकिन जो सैटरडे का जो आपका डे होगा उसमें आप लगभग 6 घंटा दोपहर 1 बजे से लेके शाम 6 बजे तक आप करेंट अफेयर्स के रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो ये आप सभी का एक ऐसा माध्यम है टाइम टेबल जो आपको बोरिंग नहीं करेगा आपको पढ़ाई में, और आप सतत रूप से तैयारी करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप इस रूटीन को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। और ध्यान रखें, जब भी आप पढ़ाई करें एक रणनीति के साथ आप पढ़ाई करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आप सभी के बीच उन्हीं रणनीति को बताती हूँ जो मैं स्वयं फॉलो की हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बताना है कि यदि आप हिस्ट्री के पेपर को पढ़ रहे हैं अपने टाइम टेबल में दिए गए क्रम में, तो आप सबसे पहले पढ़ने का तरीका को भी ध्यान में रखेंगे। जैसे मान लीजिए आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं या 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं, तो आप देखिए 1857 का जो पहले पैराग्राफ में संबंधित बुक में दिया गया है उसके कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उसको आप अंडरलाइन करिए। उससे भी ज़्यादा कोई टफ है तो उसको अंडरलाइन के साथ ही बोल्ड कर दीजिए। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, उसका भी आप अवश्य अंडरलाइन करेंगे। एज वेल एज फ्रेंड्स, आप अवश्य अपने पैराग्राफ से संबंधित एक समरी नोट, जैसे मान लीजिए 1 से 2 हज़ार शब्द के आपके वो शब्द के आपके पैराग्राफ हो गए, ठीक, तो उसको आप क्या करिए, मिनिमम 50 शब्दों में समराइज़ कर लीजिए। ये क्या फ़ायदा होगा इसका, इसका फ़ायदा होगा कि जब एग्ज़ाम आपके करीब होगा तो रिवीजन आप कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के दौरान पुनः आप मोटे मोटे किताबों को पूरे तरीके से दोहरा नहीं सकते हैं। इसलिए जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको आप ज़रूर अंडरलाइन करेंगे। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनका यह क्वेरी रहता है कि अगर मैं अंडरलाइन करूँगा तो मेरा किताब गंदा हो जाएगा। फ्रेंड्स, किताब आपका मित्र है, मित्र कभी भी आपके कठिन परिश्रम आपके लक्ष्य प्राप्ति में बाधक नहीं बनते। हमेशा सोचते हैं कि आपका जो लक्ष्य है उसको कैसे उसको पूर्ति किया जाए, तो साथियों किताब को मित्र मानिए और अवश्य ही जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसमें अंडरलाइन करने में किसी भी प्रकार का हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। एज वेल एज समरी ज़रूर बनाइएगा। फ्रेंड, ये ध्यान रखिए मैं क्यों समरी बोलती हूँ, क्यों शॉर्ट नोट बताती हूँ, उसका कारण है जब आपके दिमाग में रहेगा कि मुझे इन सारे शब्दों को लगभग 200-300 शब्दों को मुझे कैसे 20 शब्द में कन्वर्ट करना है, तो फिर आप उसे अच्छे से तैयार करते हैं, ठीक है। जब आपको यह ज्ञान होता है कि आप को इस चीज़ का टेस्ट यही क्वेश्चन आने को है तो आप उसको अच्छे से तैयार करते हैं, और ये प्रक्रिया यदि आप अपने अध्ययन सामग्री के अध्ययन के दौरान प्रयोग कर लेते हैं तो सुनिश्चित सफलता आपके हाथों में। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को फिर से कहूँगी, नोट्स बनाने में बिल्कुल कतराइएगा नहीं, लेकिन नोट्स से क्या तात्पर्य है, अलग पेज में नहीं बल्कि जो भी आप किताब पढ़ रहे हैं उसका हर एक पैराग्राफ का समरी 20-25 शब्दों या अधिकतम 50 शब्दों में आप उसको समराइज़ करिए। समराइज़ करने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फैक्ट जो होगा वो तत्काल आपका तैयार हो जाएगा, जब आप रिवीजन करते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होता है। फ्रेंड्स, आप सभी के एक और रणनीति बतानी है, ये जो आपका 10 घंटा है शेष उसमें आप लगभग आधे से एक घंटा जो फैक्ट होते हैं उसको तैयार करिए। जी हाँ फ्रेंड्स, जितना भी आप सामान्य अध्ययन की तैयारी कर रहे हैं, ज्योग्राफी से, साइंस से, जो आपका इकोनॉमी से, पॉलिटी से, एग्रीकल्चर से, इन्वायरमेंट से एक और अदर जो जीएस के सब्जेक्ट है जिसमें अंडरलाइन जितने को आप किए हैं सबको अवश्य ही आप रिवाइज करेंगे। और लूसेंट का जो सामान्य ज्ञान है वो एक तरह से बहुत ही शानदार किताब है, उसकी खासियत है कि जीएस के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसको उसमें शामिल किया गया है। तो आई होप सो कि आप सभी जरूरी टाइम टेबल को फॉलो करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे और आप अवश्य ही लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। फिर से जाते जाते मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स, इस कंपटीशन में अभ्यर्थियों की संख्या लाखों में है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है आप उन लाखों में एक हैं जिन जो सफलता में अपने नाम को अंकित करने वाले हैं, और ये संभव है आपके परिश्रम से, आप सभी के भीतर छिपे असीम ऊर्जा से। ऑल द बेस्ट।